तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त UKPSC स्टडी पॉइंट से गौरव, और आ चुका हूँ आपके लिए जो कि एक एक वीडियो और एक भर्ती लेकर। तो दोस्तों बता दें, आज आपको जो कि आपके लिए जो कि बड़ी भर्ती आ रखी है, जो कि RBI, और एक और भर्ती आ रखी है उसकी भी इस वीडियो में बात होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो जो कि आपको जानकारी जो कि जल्दी मिलेगी और सटीक जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों जो कि आपकी आगामी जो कि आपका SI फिजिकल पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो कि आचार संहिता के बाद आएगी। बाकी बात की जाए तो आबकारी पेपर के लिए कुछ पूछ रहे थे, तो आपका आबकारी पेपर मैंने बता रखा है कि आपका 19 अप्रैल के बाद जो कि इसकी जानकारी मिलेगी। बाकी बात की जाए तो कुछ लोग कह रहे थे कि एनटीए का रिजल्ट कब आएगा। तो एनटीए के रिजल्ट की बात की जाए तो एनटीए का रिजल्ट की बात की जाए आपका, तो मैंने बता रखा है 23 से आपका 30 अप्रैल के मध्य, कभी भी आपका 23 अप्रैल से आपका जो कि 30 के बीच कभी भी आपका NTA का रिजल्ट आ सकता है। तो दोस्तों देखिए, आज आपके लिए भर्ती आ रखी है, काफ़ी बड़ी भर्ती है, आप देख सकते हो। बाकी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से ये भर्ती अब निकाल ली जानी है। अभी ये फॉर्म आए नहीं, लेकिन इसकी जानकारी आपको देते थे। बाकी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RBI के ये भर्ती आ रखी है। बाकी देखिए इसमें क्या क्या आने वाला है। तो देखिए इसमें आपका सब इंस्पेक्टर की आपके सब इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल आने वाली है। आपकी कॉन्स्टेबल जो आपकी पुलिस भी होती है इसमें रेलवे में, वो सब इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल की भर्ती आने वाली है। बाकी आपका जो कि ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपका 15 अप्रैल 2024 से आपका जो कि इसके फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन की बात की जाए तो आपका अंतिम डेट आपकी 14 मई 2024 जो कि अंतिम डेट है। बाकी 15 अप्रैल 2024 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो देखिए आपके किस किस चीज़ के थे, तो इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी है, कॉन्स्टेबल की पोस्ट भी है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 15 अप्रैल 2024 से आपका 14 मई तक इसमें भरे जाएंगे। बाकी बताते इसमें तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपका क्या क्या चाहिए इसमें। तो क्वालिफिकेशन की बात की जाए दोस्तों, तो आपका क्वालिफिकेशन इसमें होता है जो कि सब इंस्पेक्टर के लिए आपका सब इंस्पेक्टर जो इसमें होती है तो लेवल 6 की नौकरी होती है। बाकी इसमें आपका ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका BA BSc BCOM फाइनल होना चाहिए आपका, मतलब आपका इसमें स्नातक होना चाहिए। बाकी इसमें कितने पोस्ट आने वाली है तो देखिए, बाकी इंटरवेटल पे जो आपका रुपए कितने रहने वाले, तो 35,000 से आपका 35,400 से इसमें जो कि आपका सब इंस्पेक्टर SI जिसे बोलते हैं। बाकी मेडिकल इसमें B12 होना चाहिए। बाकी एज की बात की जाए इस वाले फर्स्ट वाले में सब इंस्पेक्टर में आपकी एज की बात की जाए तो आपका 20 साल से आपका 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 20 से आपके 28 साल होनी चाहिए। बाकी कितनी पोस्ट है इसमें, तो 452 पोस्ट जो कि इसमें है का इसका आपका सब इंस्पेक्टर में। बाकी दोस्तों इसमें कॉन्स्टेबल की बात की जाए तो RBI कॉन्स्टेबल में जो कि लेवल 3 की नौकरी होती है। बाकी इसमें क्या मांगते हैं तो देखिए, 10th पास इक्वल इन्वायरमेंटल या फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका जो कि कॉन्स्टेबल के लिए आपका 10th पास मांगते हैं। बाकी लेवल 3 की नौकरी है। बाकी आपकी सैलरी आपकी 21,700 से आपकी इसमें स्टार्टिंग मिलेगी। बाकी इसमें बी मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, तो B+ होना, B1 होना चाहिए। बाकी इसमें एज की बात की जाए आपकी कॉन्स्टेबल में, तो आपका 18 से 28 साल इसमें एज ली जाती है। तो बाकी कितनी पोस्ट इसमें आने वाली है, तो आपका 4208 कॉन्स्टेबल की पोस्ट इसमें आने वाली है। तो देख सकते हैं आप, और टोटल की बात की जाए दोस्तों तो टोटल आपका 4660 पोस्टों पर पदों पर ये भर्ती होनी चाहिए। मान के चलिए आपका पोस्ट भी इसमें बढ़ सकती है, अभी इन्होंने बोला है कि 4700+ भी हो सकती है इसमें, तो अभी मैंने थंबनेल में 4700 आपका लिख रखा है। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी भर्ती है, तो देखिए इसमें और क्या क्या होगा इसमें। तो आपके लिए इसमें दिस इंक्लूड आर रिलीजन ऑफ 3 ईयर्स ऑफ एज बियॉन्ड आवर प्रोड्यूस्ड एज लिमिट ऑन अ वन टाइम मेजर ड्यू द COVID-19। तो COVID-19 की वजह से आपको इसमें 3 साल की इसमें छूट दी जाएगी, तो ये इसमें लिख रखा है इसमें। बाकी देख सकते हो आप, 13 नंबर ये आपका आने वाले लेटर आपका आने वाली है।
बाकी आपकी एज, आपकी ऐसा 1 जुलाई 2024 से आपकी गिनी जाएगी इसमें एज। बाकी 3 साल का आपको कोरोना के बीच में डाल रखा है। बाकी आपकी बात की जाए तो इसमें कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट ऑफ वेटिंग भी इसमें आएगी, जो कि आपका ये होगा। बाकी फिजिकल मेजरमेंट आपका यही, जो मैंने आपको फिजिकल की वीडियो बना रखी है एक, आप पुलिस कॉन्स्टेबल वाली कल ही मैंने डाली है, वो आप देख सकते हो। बाकी इसमें ये मांगा गया है, बाकी देख सकते हो दोस्तों आप, इसमें सारे आपके सर्टिफिकेट ओबीसी है जनरल जो है, आप अगर आपका जो कि एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड जो कि आपका एग्जाम होने वाला है। बाकी रिजर्वनेशन जो अनारक्षित जो कि आपकी महिलाओं को, इसमें 15% इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। बाकी PWD इसमें नहीं है, तो देखिए रिजर्वेशन ऑफ पर्सन ऑफ बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी PWBD इसमें जा रखा है PH, तो देखिए इसमें। बाकी रिजर्वेशन आपका ST SC ST OBC EWS कैंडिडेट्स को इसमें जो कि रिजर्वेशन आपको इसमें दिया जाएगा। बाकी मेड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर CBS एग्जाम होगा। बाकी इसमें देखिए एग्जामिनेशन फीस की बात की जाए दोस्तों, तो आपका ये देख सकते हो आप, आपके जर्नल OBC और EWS की बात की जाए तो आपके लिए आपकी इसमें 500 रुपये फीस होने वाली है। बाकी फोर कैंडिडेट ऑफ ST ST एक्स सर्विस मैन फीमेल, आपके लिए इसमें 150 रुपये फीस होने वाली है। तो देखिए ओनली कैंडिडेट अटेंड CVET आर रिफाउंड एग्जामिनेशन ऑफ मेटन अबो, तो देखिए इसमें ये होगा। बाकी अगर इसका जिस दिन आपका इसमें ये आ जाता है दोस्तों, अगर पूरा इसमें आपका जो जिस समय 15 तारीख को अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देते हैं, बाकी इसका सिलेबस भी उसी दिन ये जारी करेंगे। बाकी ये साइट दे रखी है, इसमें इस साइट पे आपको भरना है आपका कोलकाता अहमदाबाद सारी इसमें साइट दी है। इस साइट से आप जहाँ के लिए इतने जगहों के लिए ये आपकी भर्ती आ रखी है, तो उत्तराखंड के कैंडिडेट भी इसमें भर सकते हैं। तो इसमें आपको भरना होगा जहाँ आपको अच्छा लगे। बाकी इसका फिजिकल मेजरमेंट कैसा होता है, रिटर्न एग्जामिनेशन कितने, क्या सिलेबस इसमें, ये अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जो कि आपका RBI जो कि आपका निकालेगा आपका 15 अप्रैल 2024 को आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। फिलहाल इन्होंने या एक प्रेस नोट जो कि निकाल रखा है उसमें इन्होंने इस विज्ञप्ति के बारे में दे रखा है। बाकी दोस्तों ये थी एक बड़ी बड़ी भर्ती। बाकी एक आपकी दूसरी बड़ी भर्ती भी आ रही है, तो दिखाते हैं दोस्तों आपको दूसरी बड़ी भर्ती भी नहीं, लेकिन उसमें आपकी 3 पोस्ट है, उत्तराखंड के कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। बाकी मेरा काम होता है आपको जानकारी देना, और आपका जानकारी होना चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। तो देखिए अगली पोस्ट के बारे में बताते हैं आपको। तो दोस्तों अगली पोस्ट की बात की जाए तो आपका ऑफिस अकाउंटमेंट क्लर्क आपके लिए हो, आपकी जो नौकरी आ रखी है आपकी अल्मोड़ा, आपका नैनीताल में अल्मोड़ा में आ रखी है, नैनीताल में आ रखी है। तो जिस आप देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन मांगा है, बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग स्किल ऑफ द एबिलिटी ऑपरेटेड कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर में इसमें कंप्यूटर मांगा गया है। आपकी स्पीड टाइपिंग स्पीड आपका ये देख सकते हो आप इधर पे, जो तीसरा कॉलम है यहाँ पे 40 वर्ड आपकी मिनट होनी चाहिए। बाकी आपका फाइल मैनेजर प्रोसेसिंग नॉलेज आपको होनी चाहिए एक पोस्ट में। बाकी दूसरा आपका डाटा एंट्री में, इसमें भी आपका जो कि वही स्पीड मांगी गई है, ग्रेजुएशन आपका मांगा गया। एक आपका ऑफिस प्यून में आपका एक पद है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। क्लीनिंग ऑफिस बिफोर हाई स्कूल वर्क प्रोफाइल जो आपकी मांगी गई है, बाकी इसमें सारे ये आपके ये मांगे गए। तो दोस्तों ये आपकी जानकारी थी, बाकी दोस्तों ये भर्ती आ रही थी। तो दोस्तों मेरा काम होता है आपको जानकारी देना। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।